गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर डूइंग एसएससी ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड एंड वी आर डूइंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड। एंड टुडे दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, वी विल लर्न अबाउट इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। Up to today, we have learnt what is past, what is history. History is the study of past, and जो हमारी history है past है is divided in three period: prehistory, proto history, and history. Now after history, जो Indian history is divided in three period. पहले जो past है हमारा बीता उस समय तीन भागों में divide था: prehistory, proto history, और history. अब जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, हम इंडिया की बात करेंगे, जो इंडियन हिस्ट्री है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, तीन पीरियड्स में डिवाइड है: एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। एंशियंट पीरियड मतलब बहुत पुराना ज़माना था, पुराना समय जिसे बोलते हैं। मेडिवल मतलब मध्य का, बीच का जो समय था, मध्यकालीन युग बोलते हैं हम इसे, इसे हम प्राचीन युग बोलते हैं, मेडिवल पीरियड को हम मध्यकालीन युग बोलते हैं, एंड दिस इज अ मॉडर्न पीरियड मीन्स नया जमाना, नया दौर। नाउ सी इन डिटेल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड। जो हमारे इंडिया की, भारत का इतिहास है वो तीन पीरियड्स में डिवाइड है: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। एंशियंट मीन्स प्राचीन युग, मेडिवल मीन्स मध्यकालीन युग, मॉडर्न मीन्स नया युग। द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लास्ट टिल द पोस्ट गुप्ता पीरियड। जो एंशियंट प्राचीन युग था, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई, मतलब जब मनुष्य धरती पर पैदा हुआ तब से शुरू है एंशियंट पीरियड, और लास्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता पीरियड तक वो चली, मतलब गुप्त साम्राज्य के अंत तक वह प्राचीन युग चलता रहा। द एंड ऑफ द एंशियंट पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। एंशियंट पीरियड के अंत में, जब एंशियंट पीरियड प्राचीन युग खत्म हुआ, तो मध्यकालीन युग, मेडिवल पीरियड शुरू हो गया, विच कवर्स द दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड द अदर कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स। और मध्यकालीन मेडिवल पीरियड में कौन कौन आते हैं? दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत में मुगलों का राज्य था और उनके साथ साथ जो कॉन्टेम्प्रेरी रूलर थे, तो मध्यकालीन युग कहलाता है। द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगिन फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अब जब मॉडर्न नया युग शुरू हुआ, मुगल एम्पायर के ख़त्म होने के बाद नया युग शुरू हो गया, विच कोइंसाइड्स विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। जो नया युग शुरू हुआ, मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ, मतलब ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए तो मॉडर्न युग शुरू हो गया। द मॉडर्न पीरियड लास्ट इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। और मॉडर्न पीरियड इंडिया ने जब 1947 में आज़ादी प्राप्त की, तब तक वह चलता रहा। स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। नाउ सी द डेट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेट्स कैसी डिनोट होती है? डेट्स एक्ट एज लैंडमार्क, दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। मतलब पास्ट के बारे में, हमने बीते हुए समय के बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, तो हमें, हमारे पास अगर डेट है तो हम प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं कि ये घटना इस तारीख को घटी थी। द टर्म सिक्का और सा इन शॉर्ट फॉर्म इज जनरली यूज इन हिस्टोरिकल राइटिंग व्हेन द डेट्स ऑफ इवेंट्स आर नॉट नोन फॉर श्योर एंड हैव बीन अप्रोक्सीमेटली मैंशन। सिरका जो वर्ड है, हम कभी यूज़ करते हैं जब हमें किसी, मतलब हिस्ट्री में, हमारे पास में कोई घटना घटी है तो हमें उस इवेंट्स की डेट के बारे में नहीं पता, हम श्योर नहीं हैं उसके बारे में, तब हम सिरका, मतलब स्मॉल सी ये सा लगा देते हैं डेट के आगे, तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम कहते हैं लगभग। सी दिस वर्ड सी 600 BC, मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये 600 BC, हम इसे क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेटली 600 BC, मतलब सी का मतलब क्या था? अप्रोक्सीमेटली। हमने किया कि सिर का जो वर्ड है सी से डिनोट करते हैं, जब हमें किसी चीज़ की डेट नहीं पता, किसी घटना के पास में जो घटना घटी उसकी डेट नहीं पता, तो हम सी आगे लगा देते हैं, मतलब लगभग, मतलब 600 के आसपास, हम इसे क्या बोलेंगे? अप्रोक्सी, सी को क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेटली 600 BC।
ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सिरका. सिरका मीन्स अप्रोक्सीमेटली. दीज इवेंट्स आर रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ BCE एंड CE. अब जो ये डेट्स है इवेंट्स की, जो घटनाएं पास में घटी थी, तो हम उन्हें BCE और CE लगा देते हैं. BC का मतलब क्या है यहाँ पे? BC स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा. BC को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा एंड CE रेफर कॉमन एरा. BC को हम बिफोर क्रिश्चियन एरा भी बोलते हैं. जब हम क्रिश्चियन जीसस किसके बर्थ से, जन्म से पहले जो समय चल रहा था उसे हम BCE बोलते हैं. जो BC, जहाँ पे BC आपको लिखा हुआ नजर आएगा तो काउंटिंग वो बैकवर्ड थी, मतलब पीछे से वो, हम कहते हैं ना बैकवर्ड काउंटिंग चलती है, तो जैसे पीछे काउंटिंग चलती थी तो उसे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्रिश्चियन एरा. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. हैव अ नाइस डे.